ओ देश के राजाओं, जाओ तुम अपने घर जाओ, सीता का ख्वाब छोड़ दो और अपने अपने घर जाओ। जो जज्बा उठाया सीता ने, वह किसी से भी हिला नहीं। लगता है इस दुनिया में वीर अब कोई रहा नहीं। गुरुदेव आप आदेश करें, मुझसे चुप रहा नहीं जाता। भ्राता जी कुछ आप कहे, सूर्यवंशी है रघुवंशी है, अपमान सह नहीं सकते। राम लखन के होते हुए क्या वाणी कह डाली है। ये शब्द तीर से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। राधा लक्ष्मण शांत रहो, महाराज जनक दुखी है, निराशा में है। उनके मुंह से ये सब अचानक निकलते हैं, वे किसी का अपमान नहीं कर रहे। अगर भाई मुझे आज्ञा दे, गुरु आदेश पाऊं मैं, इस धनुष की तो औकात क्या, सारा ब्रह्मांड हिलाऊं मैं। शांत लक्ष्मण शांत, वीरों को इतना क्रोध शोभा नहीं देता। महाराज जनक ने यह बात गलती से कह डाली। जिन राजाओं ने कोशिश की और सफल नहीं हुए, ये उनके ही शब्द थे। पुत्र धैर्य से काम लो और अपने गुस्से को थाम लो। मेरा उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं था। जिसकी पुत्री हाथ में वरमाला लिए हुए मंडप में खड़ी हो और वर और दूर दूर तक दिखाई ना दे, वह कितना भागा होता है, यह इस पिता से पूछो। यह अभागा जनक पुत्री के मोह में फंसकर ऐसी बातें कह गया, अतः आप मुझे माफ कीजिए। राजन आप चिंता ना करें, जहां चाह होती है वहां राह होती है। अभी राम ने तो धनुष की तरफ तो देखा ही नहीं, क्यों ना राम को एक अवसर दिया जाए। इस जनक की लाज अब आपके हाथ है। मंडप में खड़ी सीता लग रही अनाथ है, जो उचित समझे आप गुरुदेव वही कीजिए। जनक की इस डूबी नैया को पार आप ही कीजिए। हे राज अब देर न करो, आगे बढ़ो, इस धनुष को उठाओ, इस पर तीर चढ़ाओ और जनक के शोक को मिटाओ। वह देखो सीता उदास है, उसकी उदासी दूर करो। गुरुदेव यह दास आप क्या 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 पालन करने जा रहा है। सीता का शोक मुझे भी है। हे भगवान शिव, आप भी सहायता कीजिए, इस धनुष को इतना हल्का और कमजोर कर दो कि यह मेरे हाथों में ही टूट जाए। भगवान शिव यह आपका शिष्य इस धनुष की तरफ बढ़ रहा है, मेरी मदद कीजिए। हे पृथ्वी साहब,
सावधान, आकाश तुम भी सावधान, सावधान दसो दिशाओं, देवी देवताओं सावधान, सावधान सभी रहो, कोई भी हिलो नहीं, आकाश डोल जाएगा, थर्राएगी यह जमीन। राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है, जोरदार तालियां।